अच्छा फैजान भाई, मैं सोच रहा हूँ कि ये है 100 cc, तो ये तकरीबन करती है जैसे आपने बताया 80 के आसपास, 80-85, तो 70 तो और ज़्यादा अच्छी देगी एवरेज। जी हाँ सर, ये तकरीबन 80 से ऊपर ही कारी, तकरीबन 80-85 के करीब करीब कारी है। अगर 70 पे लगा लें तो उसका जो है पिस्टन साइज थोड़ा सा छोटा होता, बिकॉज वो 70 cc है, तो उस पर तो माइलिश तकरीबन 100 के पास पास आराम से आ जाएगी। यहाँ पे एक मिडिल क्लास तबका, ये लोअर मिडिल क्लास तबका, वो महंगाई की चक्की में पिस रहा है, पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होते, तो बेहतर यही है कि उसका जो है कोई और सोल्यूशन देखा जाए, जो एक ये बेहतरीन हल है, जो आपके सिर्फ 10,000 के अंदर अंदर जो है आपकी ये बाइक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब व्यूअर्स। बहुत महंगा हो गया पेट्रोल, हम पे बस हैं नहीं कर सकते किसी की छतरोल। हाँ, ढूंढ सकते हैं इसका कोई तोड़, आप कह रहे होंगे ना लंबी लंबी छोड़, लेकिन आज हम सोल्यूशन लेके आ रहे हैं जनाब, के पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, घर से निकलते हैं काम की परेशानी अलग के, वहाँ जाके क्या क्या टेंशन्स होनी है, उससे पहले परेशानी ये होती है कि पेट्रोल पंप पे जनाब 1 लीटर सिर्फ 350 यानी 500 रुपये का नोट टूट जाना है। तो हमारे साथ एक भाई आए हैं बहुत ज़बरदस्त आइडिया लेके, बहुत कामयाबी के साथ चला रहे हैं, तो आए बात करते हैं इनसे कि कैसे इन्होंने अपने पेट्रोल का ख़र्चा महदूद किया बल्कि ख़त्म किया, और आना जाना इनका हो गया आसान, क्योंकि इनकी रोज़ की ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा थी उसी वजह से ये इस आइडिया काम करने पे हुए मजबूर। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम फैज़ान जावेद। फैज़ान, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। यकीनन हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि दूसरों की भी रहनुमाई हो, पब्लिक अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं, ताकि आम आवाम का, लोअर मिडिल क्लास का, गरीब आदमी का रोज़ाना का खर्चा कम हो सके। बाइक ऐसी एक ज़रूरत, बुनियादी ज़रूरत है कि इसके बिना गुजारा भी नहीं। सर बिल्कुल, डेफिनेटली जो अभी सिचुएशन चल रही थी, करंट सिचुएशन, पेट्रोल कितना महंगा हो गया अपना 250, 300, 300, अब 300 से भी ऊपर चला गया है, तकरीबन 325 से भी ऊपर चला गया। तो सर असल में आपको इसलिए नहीं पता कि आप पेट्रोल डलवा नहीं रहे ना आजकल? या बिल्कुल, अभी तो मेरा पेट्रोल की जो है बिल्कुल ही छुट्टी हो गई है। तो सर मैं काफ़ी अरसे से मैं इसका मुतबादल सोच रहा था कि क्या इसको किया जाए, तो मेरा पहले माइंड था कि मैं इसको EV पे शिफ्ट करता हूँ, अपना हाइब्रिड कर लेता हूँ मैं, लेकिन वो जो था मेरे अफोर्ड से बहुत बाहर जा रहा था, बिकॉज अभी आपको पता है EV व्हीकल्स भी जो सी हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स कितनी महंगी हो चुकी हैं, 2 लाख से ऊपर तकरीबन जो है अभी एक बाइक मिल रही है, उसमें यह है कि लिथियम बैटरीज हों फिर ही इकोनॉमिकल है, फिर ही सहूलत है, तो लिथियम बैटरीज बहुत महंगी हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको लिथियम से भी मैं आगे का सोच रहा था, लिथियम बैटरी वैसी अच्छी है, लेकिन मैं इसको सोच रहा था कि लिथियम आयरन फास्फेट पे जो है मैं इसको लेके आऊँ, कन्वर्ट करूँ, लेकिन वो सर जस्ट जो इसका बैटरी बैंक है वो सिर्फ वही 2 लाख का बन रहा था, बाकी उसके अलावा जो हब मोटर है, कंट्रोलर है, थ्रोटल है, इसका AC/DC कन्वर्टर है और बहुत सी चीज़ें सर, वो फिर एक अलहदा एक्सपेंस है जो तकरीबन 2.5 लाख से ऊपर जा रहा था। सो मेरा तो इतना बजट नहीं था, मैंने फिर इसका मुतबादल सोचा कि यार क्या किया जाए, तो मेरे जहन में ये आया कि यार मैं इसको LPG के ऊपर करता हूँ, तो LPG पे इसको चलाता हूँ। तो मैंने मैकेनिक से, 2-3 मैकेनिक से रابطہ किया कि यार मेरी मोटरसाइकिल इस तरह LPG पे कन्वर्ट कर दो, लेकिन किसी ने भी हामी नहीं भरी कि यार हमें काम ही करना नहीं आता कि हम इसको किस तरह करेंगे। तो मैंने फिर इसको सोचा कि यार ये जब इतना कोई मुश्किल तो नहीं है कि इसको मैं ख़ुद भी कर सकता हूँ, तो सर इस पर फिर मैंने सर्च किया, इस पे जो है मैंने R&D शुरू की, तो देन अभी जो है अभी ये सब आपके सामने, और ये मैंने खुद ही जो है ये किट इसमें इंस्टॉल की है अभी। ठीक है, अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज पे आपने जब मैकेनिक्स वगैरह से डिस्कस किया होगा, ज़रूर आपने ये डिस्कस, पहला सवाल वही माइंड में आता है कि इंजन में कोई ख़राबी तो नहीं होगी इन लॉन्ग टर्म, तो वो मैकेनिक्स ने क्या आपको इसका जवाब दिया? देखिए सर, एक मिसकंसेप्शन यहीं पाई जाती है कि जी इससे इंजन ख़राब हो जाता है। सर आपने आज तक कितने, अभी हमारे जितने भी रिक्शे चल रहे हैं, इसके अलावा और भी व्हीकल्स चल रही हैं, कितने को इंजन आज तक खुले हुए देखे हैं जो कि LPG गैस के ऊपर चलने की वजह से इंजन खुल गए हैं? सर ये ऐसी जो है ना एक मिथ बनी हुई है, मिसकंसेप्शन है, कुछ भी नहीं होता। इवन ये जो LPG गैस है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये इससे भी जो है ताकतवर गैस है पेट्रोल से भी, तो इससे जो है इंजन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता सर, और बहुत अच्छा चलता है इंजन। ठीक है, तो अब आपको ये होंडा प्राइडर हमारे सामने, ये 100 cc होती है, जबकि आम आवाम 70 cc बाइक चलाती है, यानी 70 cc थोड़ा इंजन बड़ा होता है, तो ये आपको कितनी माइलेज देता है 1 किलो LPG गैस से? सर इसको पेट्रोल पे यूज़ कर रहा था, तो 1 लीटर पेट्रोल पे ही तकरीबन मुझे 45 से 50 किलोमीटर की एवरेज दे रही थी। ठीक है,
और अभी जो मैंने जब से इसको एलपीजी पे कन्वर्ट किया है तो ये मुझे एक किलो गैस में तकरीबन 80 से 85 किलोमीटर की जो है एवरेज दे रही है, जबकि पेट्रोल का रेट जो है वो आप देख ले 333-332 रुपये तकरीबन लीटर है और उस पर चलती है 50 किलोमीटर, जबकि एलपीजी का रेट जो है इस वक्त 270 रुपये किलो है और उस पर ये उससे डबल तकरीबन 80 किलोमीटर जो है उस पर ये ड्राइव करती है। फैज़ान भाई माशाल्लाह बहुत अप्रिशिएट करने वाला आपका आइडिया है। मैं खुद ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अब हमारे आसपास बेहिसाब शहर में रिक्शाज हैं, ऑटो रिक्शा हैं, चिंची रिक्शा हैं, वो सब भी एलपीजी पे होते हैं, लेकिन आपको भी क्या लगता है कि इसमें कोई हैज़र्ड, कोई ख़तरा इन्वॉल्व नहीं है? कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि इसमें कुछ खतरात होते हैं एलपीजी सिलेंडर के साथ ट्रैवल करना। जी नहीं सर, देखिए ये एक बिल्कुल मिस कंसेप्शन हमारे दरमियान ये बनी हुई है कि ये एक, मुझे अक्सर लोगों ने क्रिटिसिज्म किया कि यार ये आप एक बॉम्ब लेके चल रहे हो साथ या कोई एक खुदकुशी को साथ लेके चल रहे हो। सर मैं एक सवाल उनसे करना चाहूँगा, आपके सिटीज़ में जितने भी रिक्शे चल रहे हैं जो कि हज़ारों इलाकों के हिसाब से हैं और वो उनमें तकरीबन 99% रिक्शा जो हैं वो एलपीजी पे चल रहे हैं, इवन इसके अलावा कितनी व्हीकल्स हैं अपना गाड़ियां हैं, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक होंडा सिटी देखी थी, मेरे ख्याल में 5-6 मॉडल हो गए उसके अंदर भी एलपीजी लगी हुई थी। तो सर आज तक मैंने कोई ऐसा वाकया नहीं सुना कि जो है अपना सिलेंडर फट गया और रिक्शा उड़ गया या ऐसा कोई मसला हो गया हो। तो सर ये ऐसी जो है ना एक मिथ बनी हुई है, ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कोई चीज़ नहीं है। बात ये है कि ये अगर ब्लास्ट होता ना सिलेंडर, देखें ये गैस जो है एलपीजी गैस ये धमाका कभी नहीं करती, ये जो अपना ब्लास्ट होता है ये हमेशा सिलेंडर की नाकिस मटेरियल या उसकी नाकिस मटेरियल की वजह से जो सिलेंडर बना होता है या सिलेंडर की एक लाइफ होती है, वो लाइफ जब ख़त्म हो जाए उसके बावजूद उसको यूज़ करते हैं तो तब वो जाके वो डेंजरस हो सकता है। बहुत आपने अच्छी बात कही कि एलपीजी नीट सेल्फ कोई डेंजरस गैस नहीं है, कोई अगर कोई कभी हम देखते हैं वैन्स वगैरह में ब्लास्ट होते भी हैं, सिलेंडर फटते भी हैं, तो वो क्वालिटी का सिलेंडर होगा या अपनी लाइफ पूरी कर चुका होगा, यानी सिलेंडर की वजह से हो सकता है ऐसा, एलपीजी गैस की वजह से नहीं। या एक और बात यहाँ पे जो है आपको अर्ज करूँ कि ये जो सिलेंडर है अभी जो आमतौर पे घरों में सिलेंडर यूज़ हो रहे हैं वो 18 गेज के यूज़ हो रहे हैं, तो ये जो मैंने जो सिलेंडर इस्तेमाल किया है ये 16 गेज का है और ये उससे भी जो है मजबूत सिलेंडर है, और इस खाली सिलेंडर का जो एक छोटा सा सिलेंडर है, इस खाली सिलेंडर का वेट ही तकरीबन 2.5 किलो है और इस 2.5 किलो के सिलेंडर में जो है 3.25 किलो गैस आ जाती है, लेकिन मैं हिफाजती अपना एक हिफाजती अमल को जो है एक मद्देनज़र रखते हुए मैंने इसमें कभी 2.5 किलो से ज़्यादा गैस नहीं डलवाई। अच्छा, आपने खुद ही फिट कर ली या कि कहीं से फिटिंग करवाई आपने? सर जैसा कि मैंने आपको पहले अर्ज कर चुका हूँ कि मैंने ये अपना 4-5 मैकेनिक से रब्ता किया, उनको इस बारे में कोई मालूमात थी ही नहीं कि यार ये कैसे लगती है कैसे नहीं लगती, फिर आपको पता है कि सोशल मीडिया जो है उसमें आपको सारा कुछ मिल जाता है, मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया, वहाँ पे मैंने देखा कि यार क्या इसका जो है हिसाब किताब है, वहाँ से देख के तो फिर जो है ये मैंने इसकी इंस्टॉलेशन खुद ही की है। अच्छा, आपने कुछ सर्च किया, आप कुछ फाइंडिंग्स इंडिया से भी मिली? जी सर, मैंने डेफिनेटली पाकिस्तान से भी और इंडिया से तो बहुत ज़्यादा जो है मुझे मालूमात हुई, बिकॉज़ वहाँ पे तो आपको हर 50 में से एक मोटरसाइकिल ऐसी ज़रूर नज़र आएगी जहाँ जो एलपीजी पर मोटरसाइकिल चल रही है, इवन जो वहाँ पे एक बहुत मशहूर मोटरसाइकिल है बुलेट, उस बुलेट तक को जो है लोगों ने एलपीजी पे कन्वर्ट किया हुआ है और सर वहाँ पे तो इस चीज़ को अप्रिशिएट किया जाता है, ये बस यहीं पे जो है अपना कुछ लोग कहते हैं कि यार ये आपने क्या कर लिया, ये तो एक बम लेके चल रहे हो सर, जबकि इंडिया में जो हमारा हमसाया मुल्क है वहाँ पे तो सर इस चीज़ को जो है बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि यार देखें इस बंदे ने एलपीजी लगाई है और ये सेविंग कर रहा है अपनी इस महंगाई के दौर में। फैज़ान भाई, मैं अपनी बाइक इस पर कन्वर्ट करवाना चाह रहा हूँ एलपीजी पे, एलपीजी किट लगवाना चाह रहा हूँ, मेरा कितना खर्चा आएगा? सर ये कुछ भी नहीं है, जितना मेरा खर्चा है ना मैंने आपको अर्ज़ किया है कि ईवी पे मैं करना चाह रहा था इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, वो तकरीबन मेरा 2 लाख से ऊपर का जो था बजट अपना वो खर्चा आ रहा था उसके ऊपर, हाँ जबकि इसके ऊपर सर मेरा सिर्फ 10,000 खर्चा है, 10,000 भी नहीं, 10,000 के अंदर अंदर जो है मेरी ये तकरीबन ये सारी इंस्टॉलेशन जो है मैंने मुकम्मल की है, और 10,000 सर आजकल के दौर में देखा जाए ना 10,000 कुछ भी नहीं है, खासकर जो रूटीन में बाइक चलाते हैं उनका ये 10,000 सर 1.5 से 2 महीनों में पूरा हो जाएगा। अच्छा, एक इसमें सिलेंडर है, ये मैं देख रहा हूँ इसका स्पेसिफिक साइज़ है, शेप है, तो ये हर जगह से नहीं मिलता होगा, ये आपने कहाँ से लिया? जी सर ये
ये ढूंढना पड़ता है क्योंकि अभी ये बहुत डेड आइटम है। ये किट तो आपको ये है कि थोड़ी सी ढूंढने से मिल जाएगी, लेकिन सिलेंडर जोन सा ये आपको बड़ा ढूंढ के जो है मैंने लेना पड़ता है। मैंने भी इसके ऊपर काफ़ी सर्च किया, फिर जाके जो है मुझे ये सिलेंडर मिला था। किट तो आम मिल जाती होगी ना जो रिक्शाज वगैरह पे लगती है? किट तो जो है वो मिल जाती है, आप किसी भी रिक्शे वाली दुकान पे चले जाएं, उसको कहे कि मुझे एक गैस किट चाहिए। लेकिन सिलेंडर का जो है उसे पूछें कि चूँकि उनके पास तो एक स्पेसिफिक जो रिक्शे के लिए इस्तेमाल होते हैं सिलेंडर, वो लंबे से सिलेंडर होते हैं, उनके पास वही होते हैं। ये सिलेंडर जो है ये आपको ढूंढना पड़ता है, लेकिन फिर भी अगर कोई मुझसे अगर कोई कहेगा तो इंशाल्लाह मैं उसको अरेंज करवा दूंगा ये सिलेंडर। बिल्कुल ठीक है जी, अगर आप दिलचस्पी रखते हैं और वाकई अपने बाइक को आप LPG पे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फैज़ान भाई का नंबर हम इनसे ले लेते हैं, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, आपको गाइड कर देंगे, आपको प्रोवाइड करने में सिलेंडर और ये किट हेल्प कर देंगे। अच्छा फैज़ान भाई, मैं सोच रहा हूँ कि ये है 100 cc, तो ये तकरीबन करती है जैसे आपने बताया 80 के आसपास, 80-85, तो 70 तो और ज़्यादा अच्छी देगी एवरेज। जी हाँ सर, ये तकरीबन 80 से ऊपर ही कर रही, तकरीबन 80-85 के करीब करीब कर रही है। अगर 70 पे लगा लें तो उसका जो है पिस्टन साइज़ थोड़ा सा छोटा होता, बिकॉज वो 70 cc है, तो उस पर तो माइलेज तकरीबन 100 के पास पास आराम से आ जाएगी। 100 किलोमीटर 1 किलो गैस में माइलेज जो है वो आराम से दे। फिर जब हमने फैज़ान भाई से पूछा कि LPG पे कन्वर्ट करने के बाद क्या इनके बाइक की पिकअप में टॉर्क में इजाफा हुआ या कमी हुई, तो उन्होंने कहा बेशक इजाफा हुआ। तो साउंड की बात हुई तो फैज़ान भाई ने कहा कि साउंड तो सेम ही रहा, हाँ मेरी बाइक थोड़ा बहुत धुआं, हल्का हल्का धुआं देती थी, लेकिन LPG पे शिफ्ट होने के बाद वो धुआं देना भी बंद हो गई। आपका ये आइडिया बहुत सहूलत लाने जा रहा है आदमी की ज़िंदगी में, जो यकीनन बिजली और गैस के बिल अपनी जगह और पेट्रोल से उससे ज़्यादा परेशान है कि वो महीने बाद टेंशन होती है, ये हर रोज़ की टेंशन है। जी हाँ सर बिल्कुल, मैंने इसलिए मैंने एक आपका एक प्लेटफॉर्म है कि लोगों तक ये बात पहुंचे, इस महंगाई के दौर में जहाँ पे एक मिडिल क्लास तबका या लोअर मिडिल क्लास तबका वो महंगाई की चक्की में पिस रहा है, पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होते, तो बेहतर यही है कि उसका जो है कोई और सोल्यूशन देखा जाए, जो एक ये बेहतरीन हल है जो आपके सिर्फ 10,000 के अंदर अंदर जो है आपकी ये बाइक उस पर LPG पे कन्वर्ट हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है जी, फैज़ान भाई का कोई इसमें अपना लालच नहीं है, कोई गर्ज नहीं है, इनकी डेली ट्रैवलिंग खुद चूँकि ज़्यादा थी इसलिए ये अपनी लाइफ में ये आइडिया लेके आए अपनी बाइक के साथ। और अभी ये रायवंड की तरफ से आए हैं, कैंट में आए थे, वापस जाना था, लेकिन इस बारिश में हमें रिव्यू सिर्फ इसलिए करवा रहे हैं कि सदका जारिया के तौर पर कहते हैं ना आसानियाँ पैदा करें, आसानियाँ बांटें, आसानियाँ बांटने के लिए जस्ट हमें टाइम दिया, हल्की हल्की बारिश हो रही है, कहाँ इन्होंने रायवंड जाना है सिर्फ इसलिए कि आसानियाँ बांटें। आप भी सदका जारिया समझते हुए इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आम आदमी तक ये आइडिया पहुंच सके, उसे लगे कि वाकई ये प्रैक्टिकल है। ये खुद एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और पढ़े लिखे हैं, इंजीनियरिंग से थोड़ा बहुत तल्लक है कंपनी, इन्हें ये कामयाब लगा, इसी को लेकर चल रहे हैं और आप तक भी ये आइडिया पहुँचाया। फैज़ान भाई अपना मोबाइल नंबर प्लीज़ शेयर कर दें। जी सर 03224654044। अच्छा इसमें गुजारिश ये है कि फ़ोन अगर करना हो तो अपना 8 बजे से पहले पहले कीजिएगा, इससे पहले इसके बाद क्योंकि वो फैमिली में होता हूँ मैं, वो थोड़ी दिक्कत होती है, तो 8 बजे से पहले पहले जो है फ़ोन करके जो है मुझसे जिस किस्म की भी आप गाइडलाइन चाहेंगे मैं इंशाल्लाह हाजिर हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ अता फरमाए। बहुत शुक्रिया फैज़ान साहब आपने टाइम दिया। दोस्तों खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपने आसपास वालों को रखें ख्याल, अल्लाह आपको मजीद करे खुशहाल। कैमरामैन गाजी वसीम के साथ नसीम बुखारी साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया फैज़ान भाई, अल्लाह हाफिज़।